करती हूँ। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवा में आए, क्या महंगाई पर कुछ बोल कर गए? सुना आपने कि प्रधानमंत्री जी आए और महंगाई पर कुछ बोल कर गए? बताइए ना, सुना होगा ना, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो सुनते हैं ना सब। आपने भी सुना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को जब आपसे वोट चाहिए था तो क्या बोला था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार तो आ गई, क्या महंगाई गई? नहीं गई। मैं बहनों से पूछती हूँ, महंगाई है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? बताइए तो सही, महंगाई है या नहीं है? सिलेंडर 1000 रुपए के करीब है या नहीं है? खाने की चीजें महंगी है या नहीं है? इतना तेज बोलिए कि मोदी जी को दिल्ली सुनाई दे कि वो आपका वो जो नारा था, वो जुमला था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार तो आ गई, लेकिन ना बेरोजगारी गई ना महंगाई गई। आज श्री राहुल गांधी जी आपके बीच में इस समय गोवा में है। उन्होंने आज बहुत बड़ी प्रेस वार्ता की, मीडिया से सवाल लिए, वो सवाल जो आपके सवाल थे, वो समस्याएं जो आपकी समस्याएं हैं। मीडिया ने पूछा श्री राहुल गांधी जी से प्रेस वार्ता में कि यहां पर जो कांग्रेस का विधायक था, मैं सही कह रही हूं, यहां पर कांग्रेस का विधायक था, कहां चला गया? भाजपा की गोद में जाकर बैठ गया। 10 विधायक थे, 10 MLA जो कांग्रेस ने टिकट दिया, आपने वोट दिया, उन्हें जिताया, भाजपा को हराया, लेकिन वो क्या किए? बिक गए, उन्हें खरीद लिया गया, और वो पार्टी से भी धोखा किया, हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जी से भी धोखा किया, आपसे भी धोखा किया। अब ये सब लोग वापस आना चाहते थे। राहुल गांधी जी ने कहा ये फैसला मैं नहीं करूंगा कि इन लोगों को जिन्होंने लोगों को धोखा दिया उन्हें वापस पार्टी में लेना है या नहीं लेना। ये राहुल गांधी जी ने कहा मैं फैसला नहीं करूंगा, ये गोवा की जनता करेगी। हम लोगों को गोवा के लोगों के बीच में भेजा, पौंडा में भी भेजा, पूछा जनता से कि क्या हम इन्हें वापस ले लें। पौंडा की जनता ने कहा और 10 विधायकों में कि बिल्कुल भी इन्हें वापस मत लीजिएगा, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, हमारे साथ धोखा किया है, और भाजपा में जाकर बैठ गए, और राहुल गांधी जी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए, किसी को वापस नहीं लिया, सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने धोखा किया था, ये सब आना चाहते थे। आज राजेश जी के बारे में पौंडा के लोगों को मुझे दिल्ली से आकर बताने की कोई जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया है आपके लिए, लेकिन हमारे हर सर्वे ने कहा कि जिन्होंने धोखा किया उन्हें हम नहीं लेंगे, वो कहीं भी जाए और किसी भी चुनाव में पार्टी से लड़े, हम टिकट उन्हें नहीं देंगे। लेकिन राजेश जी के बारे में पौंडा की जनता से जब सर्वे किया गया तो सबसे पहला नंबर राजेश जी का आया कि राहुल गांधी जी आप राजेश जी को अपना उम्मीदवार बनाइए। राजेश जी पिछली बार भी चुनाव में खड़े हुए थे, निर्दलीय थे, खूब जनता ने प्यार और वोट दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार कांग्रेस और हाथ के निशान पर चुनाव मैदान में है। अभी जिससे भी मैं बात करती हूँ, 15 दिन से मैं गोवा में हूँ, जिससे भी बात करो उनसे पूछो कि क्या चल रहा है गोवा में, गोवा के लोग क्या सोच रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है जो मैं भी आपसे कहने आई हूँ, बता रही हूँ कि गोवा के अंदर ये चुनावी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में है और कोई बीच में नहीं। 2-3 पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल है, एक बंगाल की TMC है, एक दिल्ली की आम आदमी पार्टी है, कोई महाराष्ट्र का शिवसेना है, कोई महाराष्ट्र का जो है NCP, क्षेत्रीय दल है। छोटा सा गोवा है, 40 सीट है, उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश, 403 गोवा, 40। क्या तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, NCP, शिवसेना उत्तर प्रदेश में जाकर लड़ रही है? नहीं। यहां क्यों लड़ रहे हैं? छोटा सा तो गोवा है, 40 ही तो सीट है, प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, आपके साथ एक्सपेरिमेंट करने आई है ये छोटी छोटी पार्टियां, आई नहीं है, इन्हें भेजा गया है। क्या गोवा कोई एक्सपेरिमेंटल लैब है, कोई प्रयोगशाला है,
कि आप आएंगे और प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा वोट चाहिए इन्हें, किस लिए? दिल्ली की आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है। थोड़ा सा वोट मिल जाएगा, एक दो सीट मिल जाएगी, तो बार्गेन समझौता कर पाएंगे जो सत्ता में होंगे कि हमारा एक विधायक जीता, हमारा दो जीता है, सत्ता में बनना ना है तो कीमत लगाओ, बोली लगाओ, कितने का विधायक खरीदोगे। लेकिन गोवा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि गोवा के अंदर लड़ाई सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, ना कि भाजपा की पी टीमों से। ये मैं नहीं कह रही, भाजपा के नेता नितिन गडकरी जी अभी दो दिन पहले गोवा में थे। नितिन गडकरी जी का बयान है कि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब के लड़ने से भाजपा को लाभ होगा क्योंकि ये कांग्रेस का वोट बांटेंगे, इसलिए उन्हें लाभ होगा। उनका प्रयोग यहां फेल हो गया, आम आदमी टीएमसी का, वो तो चले जाएंगे यहां से, कोई बंगाल, कोई दिल्ली, कोई महाराष्ट्र जाकर बैठ जाएगा। आपका क्या होगा अगर उनका प्रयोग फेल हो गया तो? तो मैं आप लोगों से कहूंगी, लोगों ने मन बना लिया है, ये 15 दिन में कम से कम 30वीं जनसभा कर रही हूं, हर रोज 2-3 जनसभाएं हर जगह लोगों में जाकर कांग्रेस, क्योंकि हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे नेता ने इन्हें चुनाव चिन्ह दिया है, शपथ ली है, कसम खाई है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब जगह जाकर कसम खाई है कि पार्टी को कोई धोखा दे सकता है, जनता को धोखा दे सकता है, पर भगवान को धोखा कोई नहीं दे सकता। उसकी लाठी में दम है, इसलिए डर है कि उनकी जो कसम खाई है, अब जीतेंगे हारेंगे कुछ भी होगा यहां से नहीं जाएंगे। मैं पौंडा की जनता को कहती हूं, वोट बटने मत दीजिएगा, वोट बटने मत दीजिएगा। करोड़ों रुपए इन पार्टियों ने यहां पर खर्च किया है, इन्हें खर्च करने के लिए भेजा गया है कि आप खूब पैसा खर्च करिए, दिल्ली की झूठी झूठी जो है पर अपना विकास के बारे में बताइए। और मैं आपको बता रही हूँ, ये सब सबूत लेकर आई हूँ दिल्ली की अखबारों के, जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 822 करोड़ रुपए के विज्ञापन है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 822 करोड़ रुपया विज्ञापनों पे खर्च किया है ताकि आपको ये दिल्ली की सच्चाई यहाँ पता ना लग सके, सिर्फ पता ना लग सके। लेकिन आज हम इस सच्चाई को आपके बीच में रख रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, हमारे यहाँ के सांसद और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम साहब भी पहुंच चुके हैं आपसे अपील करने के लिए। पी चिदम्बरम साहब, हमारे यहाँ से आपके साउथ गोवा के सांसद भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हम आपको सिर्फ विश्वास दिलाने आए हैं कि कांग्रेस को एक बार पूर्ण बहुमत देकर देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ एक पार्टी की एक सरकार बनाकर देखिए, आप देखिएगा कि गोवा का विकास किस तरीके से हम बुलंदियों पर लेकर जाते हैं। बातें करने को और भी है, लेकिन बड़े नेता हमारे मंच पर आ चुके हैं और मुझे लगता है उनका एक एक शब्द, एक एक बात, आप में ये विश्वास कांग्रेस के प्रति, हमारे उम्मीदवार राजेश जी के प्रति, आपको ये साबित करने के लिए है कि हम और हमारा परिवार, पूरी कांग्रेस गोवा के साथ, गोवा के भविष्य के साथ खड़ी है। 14 फरवरी हाथ का चुनाव, पौंडा से राजेश जी के लिए आप वोट करें, यही विनती लेकर आपके बीच में मैं आई हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया अलका लांबा जी, जो है दिल्ली से आए हुए हैं और उन्होंने बेहतरीन बातें बताई। जरा जोरदार तालियां बननी चाहिए अलका जी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देव बर करो तुमका सांगपाक सोदता आता आमचे मुखार जे आयिल्ले आसा, जे खास स्पेशल सांगू शकता, एक्स युनियन कॅबिनेट मिनिस्टर एंड ऑब्जर्वर ऑफ गोवा इलेक्शन कमिशन श्री पी चिदंबरम हांगा आयिल्ले आसात। नेटान ताळ्यो जावपाक जाय तांच्या खातीर, नेटान ताळ्यो जावपाक जाय। थँक्यू वेरी मच सर।